हाउ आर यू बेटा? टेक आउट योर ड्राइंग बुक एंड डायरी. फर्स्ट डायरी नोट करें बेटा, फर्स्ट डायरी नोट करें. डायरी में आप लोग होमवर्क नोट करें. शाबाश बेटा, नीट एंट्री होमवर्क नोट करें बेटा. डायरी में होमवर्क नोट करें. डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस ऑफ, डू प्रैक्टिस ऑफ स्कूल बस. ठीक है बेटा, डू प्रैक्टिस ऑफ स्कूल बस. कौन सा डायग्राम है बेटा? डू प्रैक्टिस, यहां तक राइट करते जाए. शाबाश बेटा, डू प्रैक्टिस ऑफ स्कूल, स्कूल बस इन रफ कॉपी बुक पेज 16. डू प्रैक्टिस ऑफ, डू प्रैक्टिस ऑफ स्कूल बस इन रफ कॉपी बुक पेज 16. पेज 16 पे जो स्कूल बस है वो आप लोगों ने रफ कॉपी में ड्रॉ करना है और कलर भी उसी तरह नीट एंड क्लीन करना है. ये जो होमवर्क आप लोगों को मिल रहा है बेटा, ये होमवर्क सारा मैं आप लोगों का चेक करूंगी वन बाय वन डायग्राम. नोट करें बेटा, शाबाश, होमवर्क नोट करें. क्लियर? बोर्ड इरेज करूं मैं बेटा? बोर्ड इरेज करूं मैं? ओके बेटा, क्लियर. अब बेटा ड्राइंग बुक की तरफ आया. ये हमारा ड्राइंग का बुक है. ठीक है बेटा, ड्राइंग बुक में आर्ट गैलरी बुक क्लास 3, ड्राइंग बुक में हम पेज टू डक भी कर चुके हैं. ठीक है बेटा, पेज 3 भी हमारा हो चुका है, पेज 4 डॉल्फिन भी हुआ है, पेज 5 मरमेड भी हुआ है, मरमेड एक्टिविटी भी हुई है, पेज 6 वेजिटेबल्स भी हुए हैं, पेज 7 स्प्रे पेंटिंग एंड एक्वेरियम एक्टिविटी भी हमारी हो गई है, पेज 8 पैटर्न डिज़ाइन भी हुआ है, पेज 9 पाम पेंटिंग डक भी हुआ है. आज हम पेज 10 पे आते हैं, मशरूम की तरफ, मशरूम की तरफ. कभी देखा है बेटा मशरूम? मशरूम को हम क्या कहते हैं? इसको हम काते भी हैं और नहीं भी काते. मशरूम MUSHROOM. कहां पर देखा है बेटा आप लोगों ने? फॉर्म्स वगैरह में, खेतों में. ओके बेटा, अब आते हैं हम बोर्ड की तरफ. ठीक है बेटा, आज हमारा उसी तरह डायग्राम है, मशरूम. बेटा मशरूम जो है ये फंजाई का एग्जाम्पल है. फंजाई, नेम सुना है बेटा फंजाई का? फंजाई आर स्पेशल केस. पहले राइट करें टॉपिक, TOPIC. टॉपिक फर्स्ट कॉपी पे, प्रैक्टिस कॉपी पे
जो पेज प्रिपेयर करें, आउटलाइन ड्रॉ करें, सीएल नंबर, ड्राइंग, क्लास वर्क और डेट मेंशन करें। ठीक है बेटा, डायरी के बाद कॉपी की तरफ आए, फिर टॉपिक, फिर हमारा डायग्राम है मशरूम, एम यू एस, एम यू एस एच आर डबल ओ एम, मशरूम। मशरूम जो है ये फंजाई ग्रुप का एग्जाम्पल है। फंजाई आर स्पेशल केस, दे कैन बी क्लासिफाइड नेदर एज प्लांट नोर एज एनिमल्स। इसको ना हम प्लांट ग्रुप में रख सकते हैं ना एनिमल्स में। क्यों इस तरह क्यों है बेटा? इसलिए अनलाइक प्लांट, फंजाई कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, क्योंकि फंजाई जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ये डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फॉर देयर फूड, खुराक के लिए। यीस्ट हो गया है, मोल्ड्स हो गया है और मशरूम आर सम एग्जांपल्स ऑफ फंजाई। ये फंजाई के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि बेटा इसमें क्लोरोफिल, मेन चीज़ इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। मशरूम को अगर आप लोग देखें बेटा, इसमें ग्रीन कलर नहीं होता। ठीक है बेटा, अब हम बुक में पेज 10 पे स्टेप वाइज ड्रॉ करेंगे। अब मेरी तरह स्टेशनरी सामने रखें, स्टेशनरी निकालें, पेंसिल, रबर, रूलर, कलर, सब कुछ। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, अम्ब्रेला की तरह, छतरी तो देखी है ना, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इस तरह होता है ना उसका शेप। अम्ब्रेला का शेप इस तरह होता है ना बेटा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया है बेटा। अब आते हैं यहां पर उसी तरह जिस तरह हमने अभी फर्स्ट स्टेप ड्रॉ किया है, उसी तरह सेकेंड स्टेप भी हमने ग्रो करना है। इसी तरह सेकेंड स्टेप भी हमने ड्रॉ करना है, लेकिन इसमें क्या ऐड करना है, इसमें यहां से ये ऐड करना है। क्लियर? और यहां पर इसके साथ छोटा सा पार्ट अम्ब्रेला शेप दोबारा ड्रॉ करना है। क्लियर? सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप यहां पर मैं इस साइड पे ड्रॉ करती हूं। फर्स्ट स्टेप की तरह हमने इस तरह ड्रॉ करना है, इस तरह लेकर आएंगे, फिर उसी तरह। क्लियर बेटा? क्लियर हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सेकंड स्टेप की तरह क्लियर सेकंड स्टेप की तरह इस तरह क्लियर बेटा। यहाँ तक सबका हो गया है, यहाँ तक आते जाए, शाबाश बेटा, यहाँ तक ड्रॉ करते जाए। अब इसमें हम क्या करेंगे,
अब इसमें हम यहां पर इस तरह यहां तक क्लियर हो गया है बेटा। ओके, अब इसके साथ यहां पर हमने छोटा सा बेबी मशरूम ड्रॉ करना है। क्लियर बेटा, यहाँ पर क्लियर जिस तरह बुक में है उसी तरह स्टेप वाइज आप लोगों ने करना है। कितना इजी मेथड है बेटा जब स्टेप वाइज आप लोग करोगे। क्लियर हो गया, समझ आ गई है बेटा। क्लियर, ये है बेटा स्टेप वन, ये हमारा है स्टेप टू, और ये हमारा है स्टेप थ्री। थ्री स्टेप में बेटा क्लियर।